उस्मान नाम का एक लड़का था जो बाइक से जा रहा था और बाइक से जाते जाते गिर गया, ठीक है, और उसके हाथ पे चोट लग गई, ठीक है, और खून बहने लग गया। तो वी नो दैट खून बहने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, ब्लीडिंग। ये जो ब्लीडिंग होता है, जो खून होता है, वो थोड़े टाइम में जम जाता है, ठीक है, और वो बन जाता है क्लॉट। ओके, तो जब खून ब्लीड होता है, जब बहता है, तभी वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो एट दैट टाइम द ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, और जब क्लॉट हो जाता है तो वो टाइम पे वो बन जाता है सॉलिड। तो ये जो लिक्विड से सॉलिड बनने का जो प्रोसीजर है, जब लिक्विड ब्लड सॉलिड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। सो मैंने क्या बताया अभी, व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ब्लड इंटू लिक्विड ब्लड, ठीक है। लिक्विड ब्लड जब सॉलिड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का एक दूसरा भी नाम है ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। सो ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग एक ही चीज़ होती है। नाउ इफ वी सी, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजरी। एक ऐसी इंजरी होती है, अगर हम लोग देखेंगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजरीज। एक होती है इंटरनल इंजरी और एक होती है एक्सटर्नल इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी बेसिकली क्या होती है, ये जब इंसान को चोट लग जाती है और खून बहने लगता है जो विजिबल है, सो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल इंजरी। इंटरनल इंजरी वो होती है कि अंदर से जो हमारे टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। हमारे जो कैपलरीज है, ब्लड कैपलरीज जो है, जब वो रप्चर हो जाती है और उसमें से ब्लड निकलना चालू हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन इंटरनल इंजरी। एक्सटर्नल इंजरी में क्या होता है, चोट लगती है और हम लोग को दिखता है कि चोट लगी हुई है। ओके, सेम तरीके से ये जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक्सटर्नल इंजरी के लिए थोड़ा अलग होता है और एक्सटर्नल इंजरी के लिए थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब क्लॉटिंग होना शुरू कब होता है, ठीक है, क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, हाउ डज इट स्टार्ट्स, स्टार्ट कब होता है। तो स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले जो है, ब्लड शुड कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। जैसे जो हमारा खून है, जो ब्लड है, इट शुड कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन और सम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, या हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। सो ये दोनों क्या है, उसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है। और जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तब जो है ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है डैमेज टिश्यू, जब भी हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, समझो कहीं पर कोई सेल टूट गया, सपोज दिस वर दी टिश्यूज, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है यहाँ से रप्चर हो गया, टूट गया, ठीक है, कोई चोट लग गई किसी को, तो यहाँ से ये जो टिश्यू ऐसे टूट गया, ठीक है, या फट गया यहाँ से। सो इसमें से क्या होगा, फिर यहाँ से जो होगा हमारा वो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉटिंग स्टार्ट कैसे होता है, जब भी हमारा ब्लड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है, और दूसरा जब जब भी हमारा जो टिश्यू है जब वो डैमेज हो जाता है तब हमारा क्लॉटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ है जो हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस से पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए, दैट थिंग इज कॉल्ड एज फैक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टर्स होते क्या है, फैक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दोज सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली होता कैसे, स्टार्ट कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग में कितने फैक्टर्स यूज होते हैं। देर आर टोटल फैक्टर्स फ्रॉम 1 to 13, जिसको ना हम लोग रोमन नंबर में ऐसे लिख सकते हैं, 1 to 13, ठीक है। सो टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से जो फैक्टर 6 है वो यूज में नहीं आता है या वो एक्टिव नहीं होता है। सो फैक्टर 6 इज नॉट एक्टिव, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि कोएगुलेशन होता है कैसे या क्लॉटिंग होता है कैसे, ठीक है। सपोज अभी ना एक ब्लड वेसल डैमेज हो गई, क्या हो गया, यहां पर मैं एक ब्लड वेसल बना लेता हूं, यहां पर एक ब्लड वेसल है, सपोज यहां से रप्चर हो गई, यहां से टूट गई और यहां से ना ब्लड आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये ना इंटरनल इंजरी है, ये क्या है, ये इंटरनल इंजरी है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रिंसिक, ठीक है। तो जब भी इंटरनल इंजरी होती है ना, तो
एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर 12, ठीक है। फैक्टर 12 जो है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो हो जाता है एक्टिवेट। तो हम लोग उसको लिखते हैं 12A। ए का मतलब है एक्टिवेटेड, ठीक है। ये जो 12A फैक्टर होता है ना, दैट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग 11th फैक्टर। 12वां फैक्टर क्या करते हैं, जो इनएक्टिव 11th फैक्टर है उसको एक्टिव फैक्टर 11 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो फैक्टर 11 है वो क्या करते हैं, इनएक्टिव फैक्टर 9 को एक्टिव फैक्टर 9 में कन्वर्ट कर देता है। इतना समझ में आया तो अपने को याद रखना है, पहले 12 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर उसके बाद आएगा 10, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 12, 11, 9 और 10। इसके बाद बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद ये जो फैक्टर 9A है, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग या एक्टिवेटिंग फैक्टर 10। फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है और 10A बन जाता है, ठीक है। ये कब हुआ, जब इंजरी इंटरनल थी। जब इंजरी इंटरनल होती है, जब अंदर से चोट लगती है, तो जब इंट्रिंसिक चोट लगती है, अंदर से लगती है, तो ये वाला पाथ फॉलो होता है। सपोज किसी का टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पर किसी का टिश्यू था ऐसे, ठीक है। ये जो टिश्यू है ना, ये डैमेज हो गया है, यहाँ से ऐसे डैमेज हो गया है, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये डैमेज टिश्यू में से ना एक सब्सटेंस रिलीज होएगा, दैट सब्सटेंस विल हेल्प इन एक्टिवेटिंग फैक्टर 7। जो फैक्टर 7 होता है ना, वो उसको एक्टिवेट करके फैक्टर 7 ही कर देगा। इतना समझा। और ये जो 7th फैक्टर है, ये क्या करेगा, जो इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 है उसको वो एक्टिवेट करके 10A कर देगा। इतना समझ में आया। तो अगर इंटरनल इंजरी है तो ये वाला पाथ फॉलो होएगा, और अगर एक्सटर्नल इंजरी है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अगर टिश्यू में डैमेज होता है तो ये वाला पाथ फॉलो होता है, और अगर इंटरनल को इंजरी होती है तो ये वाला पाथ फॉलो होता है। इतना समझ में आया। अब फैक्टर 10 ही क्या करता है, ये जो फैक्टर 10 है ना, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक सब्सटेंस होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये जो है ना, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके बना देता है थ्रोम्बिन। तो फैक्टर 10 का रोल क्या है, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, एक सब्सटेंस होता है फिब्रिनोजेन। थ्रोम्बिन क्या करता है, एक सब्सटेंस होता है फिब्रिनोजेन, ठीक है। उसको वो कन्वर्ट कर देता है दूसरे सब्सटेंस में, जिसको बोलते हैं हम लोग फिब्रिन। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और फाइनली ये जो फिब्रिन है ना, ये फिब्रिन क्या करता है, ऐसे मेश बना देता है। ये फाइबर लाइक सब्सटेंस होता है, जो ना जहाँ पर जख्म होता है, जहाँ पर चोट लगी होती है, वहाँ पर ऐसा मेश बना देता है, और फाइनली क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है। इतना समझा। सो देर आर टू वेज बाई विच ब्लड क्लॉटिंग के नकर, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि चोट कहाँ लगी है, ठीक है। इंटरनल इंजरी है या एक्सटर्नल इंजरी, इंटरनल इंजरी होगी तो ये वाला पाथवे, और एक्सटर्नल इंजरी होगी तो ये वाला पाथवे। ओके, थैंक यू।